बड़ी टंकी आधा घंटा रह गई है, छोटी में मैं बंद कर आई हूँ। ओके सो ऑन दैट नोट, हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर पॉइंटलेस ब्लॉग। आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था बाय लाइकिंग एंड कमेंटिंग, शेयर मुझे नहीं पता किसने किया किसने नहीं किया। सो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था लास्ट ब्लॉग में, तो हाजिर हूँ मैं एक और ब्लॉग के साथ। ऑन दैट नोट, टंकी देखने के बाद, जस्ट बिकॉज मैंडेटरी होता है इंडियन घरों में टंकी देख कर आना, सो दैट्स व्हाट आई डिड। सब लोग करते होंगे अपने घरों में। नाउ आई एम हैविंग माय मैं लंच बोलने वाली थी, ब्रेकफास्ट। उसके बाद आई विल कीप यू पोस्टेड कि क्या होने वाला है आगे। लेट्स सी कि क्या होने वाला है आगे। ओके सो दैट्स माय टी, जो कि अभी थोड़ी सी ठंडी होगी, ब्लॉक कर रही थी मैं जस्ट बिकॉज ये पोहे हैं। आई लव दीज टमेटोज, मम्मा बनाती है तो मैं सारे निकाल लेती हूँ। समवन इज ऑन द डोर, होल्ड ऑन। हू इज देयर? पापा होंगे, वो तो बहुत देर के रखे हैं। कोई नहीं है। कौन है? हाँ पापा, खुला है। ओके सो इन लास्ट व्लॉग मैंने कुकिंग शुकिंग का थोड़ा सा पार्ट पोस्ट किया था, एंड आप लोगों ने बोला था कि ऐसे मिक्स एंड मैच व्लॉग्स बनाया करो। सो आज मेरे घर में बन रही है, क्या बन रहा है, पाव भाजी। तो मम्मी भाजी बना रही है, बस उसी के छोटे मोटे क्लिप्स ऐड कर दी। ओके सो सबसे पहले तो बहुत सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर खाना बनता है इस टाइम पे, एंड इट्स कितने बज रहे हैं, बिना चश्मे के दिख नहीं रहा। ओके इट्स 9 o'clock राइट नाउ। तो सबसे पहले हमने कुकर रखा है एंड उसमें तेल डाला है, हल्की सी हाँ कुकिंग ऑयल, हल्की सी राई एंड प्याज, पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, मटर एंड आलू ऐसे छोटे छोटे काट लिए। देन हमने इसमें ऐड करने हैं चॉप्ड टमाटर, कटे हुए टमाटर। देन अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या किया है, ओके उसके बाद हमने मटर डाली है एंड पाव भाजी में आप जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, कैप्सिकम वगैरह जो भी आपको डालना हो। भाजी, जब तक सारी वेजिटेबल्स बॉईल हो रही हैं, उबल रही हैं, तब तक मुझे काम यहाँ से निपटाना है। इट्स लाइक बहुत सारा काम, मतलब यहाँ पे पूरा मतलब डस्टिंग करनी है मुझे, मैं वो निपटा लूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे क्या बनाते हैं। हम लोग गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं करते, मतलब लहसुन यूज़ नहीं करते। अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं खाते, आप चाहो तो डाल सकते हो। कौन है? ओके तो जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो बॉईल हो चुकी हैं अच्छे से। देन आपको कुकिंग ऑयल में लेना है राई एंड टमाटर डालना है उसमें अच्छे से। देन पाव भाजी मसाला डाला है हमने एंड गार्लिक हम यूज़ नहीं करते, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। धनिया पाउडर हमने डाला है एंड हल्दी डाला है, जितने भी बेसिक मसाले होते हैं, एंड मिर्च डाला है। देन जो बॉईल हुई थी सब्जियाँ उसको उसमें डाल दिया है एंड जो थोड़ा सा उसका स्टॉक वाटर होता है पानी डाल दिया है, एंड यहाँ पे हमने MDH की जो मिर्च होती है ना वो डाली है। सो या बन गई पाव भाजी, हल्का सा इसमें पानी डाल के इसको खदकने देंगे, बन जाएगी। आपको जैसे खानी हो वैसे खा लेना, मैं अपनी सजी हुई प्लेट नहीं दिखा पाऊँगी। ओके सो पाव भाजी डन, क्लीनिंग डस्टिंग डन, एंड मुझे एक मेरा पार्सल भी रिसीव हुआ है, वाओ का कोकोनट हाइड्रेटिंग फेस वॉश, एंड आई गेस मुझे आज काफ़ी सारे पार्सल रिसीव होने वाले हैं।
आई एम नॉट श्योर, जस्ट यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं. सो या अभी मुझे फर्स्ट पार्सल रिसीव हो चुका है. लेट्स सी इसको यूज़ करके. अगर किसी ने किया है तो बता दो, एंड अगर किसी को रिव्यू चाहिए तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना. ओके, मैं मेन मुद्दे की बात करती हूँ. आज करीबन 4, 4:30, 5 बजे क्या हुआ मैं आपको वो बताती हूँ. क्या? हाँ. ओके, सो मेरा भाई पूछ रहा है कि मैं 4, 4:30, 5 बजे उठ गई थी क्या. एक्चुअली मैं उठी नहीं थी उस टाइम पे. आज मैं लेट उठी हूँ थोड़ा सा. मैं 7:30 बजे उठी हूँ आज. हंस मत. ओके, तो हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी. वहाँ पे कमेंट में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जस्ट अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, 6 घंटे पहले का कमेंट है वो. तो अभी 10 बज रहे हैं, तो अराउंड आप मान लो भाई 4, 4:30, 5 बज रहे होंगे. क्या करते हो आप लोग 4, 4:30, 5 बजे उठ के? मतलब चलो उठ भी गए, जग रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब सम रैंडम पर्सन जिसने आई थिंक मेरा वीडियो पहली बार देखा है, एंड शी कॉमेंटेड दैट आई हेट यू एंड योर आईब्रोज. क्यों भैया? मतलब आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, लाइक व्हाट्स द इशू? आप पहली बार में किसी को आई हेट यू बोल रहे हो? आई मीन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे समझ नहीं आता. फिर लोग बोलते हैं कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ. एक्चुअली मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, जस्ट आज मैं व्लॉग कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू गाइस. मेरा चश्मा लीला हो गया यार, सही कराने चलेगा क्या? मेरे को लेंसेज भी लेने चलेगा? मेरा चश्मा देख ढीला हो गया. सही कराने चलेगा? क्यों, देखो क्या लेना है. ठीक है, डील डन. एक्चुअली इसका ब्लूटूथ ख़राब हो गया है, एंड मेरे पास अभी मिगी का ब्लूटूथ है. मैंने इसके लिए ही मंगवाया था वो, बट वो उसमें कुछ इशू आ गया था, देन वारंटी में था तो वो एक्सचेंज होकर न्यू आ गया है, एंड आई एम यूजिंग इट राइट नाउ. तो उसको चाहिए, तो अभी हम आज शायद जाएंगे. मेरा स्पेक्स ढीला हो गया है, उसके लिए मुझे लेंसेज भी लेने हैं, एंड या लेट्स सी हाउ द डे गोज ऑन. स्टे ट्यून्ड. मैं इसको ऑलमोस्ट आधे घंटे से आवाज़ लगा रही हूँ, एंड ये सुन नहीं रहा. मतलब आधा घंटा नहीं, थोड़ा सा 2-3 मिनट हो गए. आदि आदि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? भजन सुन रहा हूँ. कौन सा भजन? YouTube पे कौन सा भजन? नमो नमो. नमो नमो भजन है? हाँ. किसने बोला नमो नमो भजन है? भगवान है, शिव जी. उसमें तो भजन नहीं है भाई, वो सॉन्ग है. क्या कर रही है? व्लॉग बना रही हूँ. लाइट बंद कर पहले फोन. तो क्या करूँ? तू ऊपर उठ के जलानी पड़ेगी लाइट. भगवान. गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ नमो नमो कौन सा भजन है. अरे है भजन है. नहीं है भजन. तो शाम के बज रहे हैं 5:30. मैंने दिन भर से कुछ व्लॉग नहीं किया था. लाइक आई डोंट नो व्हाट वाज माय लास्ट क्लिप. आई जस्ट रिसीव्ड ऑल दीज पार्सल. आई वाज स्लीपिंग एंड डिलीवरी वाले भैया का फोन आया कि आपके पार्सल्स हैं, तब मैं जाके उठी. अभी तक मैंने ओपन नहीं किए हैं, थोड़ी देर बात करूँगी. उनको सैनिटाइज वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए अभी मैंने ओपन नहीं किए हैं. देखना चाहते हो क्या है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना. मैं यहाँ पे नहीं डाल रही क्योंकि मैं बहुत देर बाद उनको खोलूँगी, एंड आई विल अपलोड दिस व्लॉग टुडे इटसेल्फ. आज ही के आज में चला जाएगा. सो 5:30 बज रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि मैं 7 बजे तक व्लॉग अपलोड कर दूँ. ओके, ऑन दैट नोट मैंने एक चीज़ सोची है कि अगर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं अगर व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ व्लॉग में एक ऐसी चीज़ शेयर करूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो. लाइक जो चीज़ मैंने सीखी है कहीं ना कहीं से. सो या मैं हर व्लॉग में सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ ना कुछ एक चीज़ शेयर करूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो. तो मैं बहुत अच्छी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ. सबसे पहली बात ना, रात में अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके सोया करो. अगर फ़ोन आपके पास में रखा है, अपने सर के सिराने पे फ़ोन रखते हो, बेड के ऊपर कहीं पर भी रखते हो अपने पास में कहीं पे भी, तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया करो. जस्ट बिकॉज इसमें से कुछ आई डोंट नो द टेक्निकल वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, बट कुछ रेज निकलती हैं जो आपको मतलब दिमाग पे कुछ ना कुछ असर करती हैं. मैंने ऐसा कहीं सुना था, एंड यू विल फील द डिफरेंस. बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है. तो आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके सोते हो तो पता नहीं बहुत लाइट फील होता है. दैट्स वॉट आई फील्ड.
मैं ये बहुत टाइम से कर रही हूँ, करीबन मुझे एक डेढ़ महीना हो गया मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके सोती हूँ. एंड मुझे स्विच ऑफ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं सर के पास में रखती हूँ, मेरे फ़ोन में अलार्म लगा रहता है, मैं फ़्लाइट मोड पर कर देती हूँ. इससे क्या होता है, मेरे फ़ोन की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तो वो जो रेज होती हैं, वो सब कुछ होता है ना, वो सब कुछ चला जाता है, लाइक कट ऑफ हो जाता है. तो एक तरीके से मेरा फ़ोन डेड ही हो जाता है. सिर्फ वो सिर्फ अलार्म के लिए मैं फ़्लाइट मोड पर रखती हूँ. सो या इफ़ यू वॉन्ट, आप भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके सोया करो, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत लाइट फील होगा आपको. अलार्म है तो फ्लाइट मोड पर कर दो, अदरवाइज जस्ट स्विच इट ऑफ. थैंक यू. अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सबसे पहले तो ये इमोजी बना देना यहाँ पे, इमोजी ऑफ द वीडियो. मैं हर बार लास्ट में ही दूंगी, पता पड़ जाता है वीडियो किस किस ने देखा है. तो इमोजी ऑफ द वीडियो इज दिस, जस्ट ड्रॉप अ कॉमेंट, लाइक जस्ट ड्रॉप अ कॉमेंट. एंड मोर ओवर मैं एक दो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. दैट्स माई ट्राईपॉड, होल्ड ऑन, मैं आप लोग के साथ एक दो चीज़ें शेयर करती हूँ. ओके, से हाई टू माई शैडो. ओके, सो चलिए बात करते हैं. मैं एक ब्रांड के बारे में आपसे बात करने वाली थी. मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना पहले, तो अभी तक मैंने उसको काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया है, काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है. उनका जो एक प्रोडक्ट है, मतलब जो एक प्रोडक्ट है, वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया. सो हम उसको साइड में रखते हुए दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो मुझे एक्चुअली में सूट किए हैं. एंड बहुत नॉर्मल से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सब यूज़ करते ही हैं कहीं ना कहीं पे. तो सबसे पहले तो मेरे पास, मैं आपको ब्रांड बता देती हूँ. द ब्रांड इज़ ऑर्गैन्स, ऑरिगैन्स जो भी आप इसको बोलो, ORIGENZ, ऑरिगैन्स, उल्टा दिख रहा होगा. लिंक आई विल ड्रॉप डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उन प्रोडक्ट्स की जो मुझे सूट किए हैं. नॉट अबाउट, मैं उस प्रोडक्ट की बात ही नहीं करूँगी. ओके, सो मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी पाउडर जो हम सब यूज़ करते हैं, मतलब मैं तो काफ़ी अच्छे से यूज़ करती हूँ क्योंकि DIYs आर दी बेस्ट, दे आर जेम. थोड़ा धीरे धीरे काम करता है लेकिन DIY बहुत अच्छे होते हैं. सो मेरे पास यहाँ पे उनका मुल्तानी मिट्टी पाउडर, एंड ये एकदम प्योर मुल्तानी मिट्टी पाउडर है, इसके अंदर कुछ भी एडेड नहीं है. सो यार, इट्स टोटली प्योर पाउडर, आप इसको अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो. इसके अंदर कोई भी केमिकल एडिट नहीं है, इस पर लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, नेचुरल स्किन केयर में ही आ जाता है. एंड ये आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, हेयर पे अप्लाई कर सकते हो, लाइक इट्स नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी पाउडर. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेकआउट. दूसरा मेरे पास है इनका आंवला पाउडर जिसको आप चेकआउट कर सकते हो अपने हेयर के लिए. आंवला, शिकाकाई, रीटा, दीज थ्री पाउडर्स आप अपने बालों में अच्छा सा पेस्ट बना के, अगर आप DIY पर रिलाई करते हो एंड अगर आप वाकई में यूज़ करते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन DIYs आर दी बेस्ट, तो आप आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों ऐड करके अपने बालों पर पेस्ट बना सकते हो. मेरे पास तीनों पाउडर हैं, कि ये शिकाकाई पाउडर है एंड दिस इज़ द रीठा पाउडर, एंड इसका मेरे पास है आंवला पाउडर. आप तीनों पाउडर चेक कर सकते हो, एक्चुअली चारों चेक कर सकते हो. चारों ही नेचुरल है, कोई भी केमिकल एडिट नहीं है. अदरवाइज जो और पाउडर्स आते हैं, जो और ब्रांड्स के होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ऐड रहता है, बट दे आर प्योर एंड नेचुरल. सो या, मैं बस इसी के बारे में आपको बताना चाह रही थी काफ़ी टाइम से. ओ हाय टू वन टू एंड थर्ड मी, उसमें भी मैं दो तीन बार आ जाऊँगी. ओके, सो ऑन दैट नोट आई एम गोना एंड दिस व्लॉग. मैं जाने वाली थी मेरे स्पेक्स के लिए बट हम नहीं गए क्योंकि मैं सो गई थी, एंड नाउ इट्स 5:30, तो कोई मतलब नहीं है जाने का क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्वालियर में 7 बजे ही मार्केट बंद हो जाता है. आई डोंट नो अबाउट योर्स, आपके सिटी में मार्केट का क्या हाल चल रहा है इस अनलॉक के प्रक्रिया में? तो आपकी सिटी में क्या माहौल चल रहा है मार्केट वगैरह का, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. ग्वालियर में तो 7 बजे इज़ लाइक लोग फटाफट से अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं, अगर कोई दुकान में होता है तो उनको भगाते हैं बाहर के, लाइक जाओ अब नहीं लो, जाओ जल्दी जाओ क्योंकि पुलिस वाले आ जाते हैं. ओके, सो ऑन दैट पॉइंट मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ. एंड माय स्किन इज़ ग्लोइंग, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है यहाँ तक कि सुबह स्किन केयर किया था, फेस वॉश कर लिया अभी सो के उठने के बाद. आई एम जस्ट लविंग इट. स्किन केयर रूटीन नहीं देखा तो क्या देखा, जाओ जाके चेक करो. ओके, बाय. एंड मुझे ब्लॉग एडिट करना है, 7 बजे तक डालना है. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. इमोजी ऑफ द ब्लॉग इज़ दिस. एंड आप लोग कैसे हो, क्या चल रहा है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये ब्लॉग कैसा लगा. सारे ब्लॉग्स देख लो और सारे. थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अगला ब्लॉग जल्दी आएगा. थैंक यू.